पंजाब में डायरी विभाग की ओर से देसी गाय साहिवाल की नस्ल को तस्दीर देने के लिए आज जिला मोगा के गांव गिल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6 जिलों के पशुपालक किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर सीएम पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के एडवाइजर डॉक्टर पी के उप्पल विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने देसी गाय साहिवाल की नस्ल को तस्दीर देने के लिए किसानों के साथ विचार विमर्श भी किया। उन्होंने पशुपालकों को बताया कि मौसम और वातावरण की तब्दीली के कारण जो गर्माहट बढ़ रही है, उसके लिए इस समय साहिवाल नस्ल की गायें पशुपालकों के लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि विदेशी नस्लों के पशुओं को यह वातावरण सूट नहीं करता और उनकी प्रजनन क्रिया भी कम होती है और ज़्यादातर पशु बीमार हो जाते हैं। वहीं किसानों और पशुपालकों ने कहा कि ऐसे सेमिनार सिर्फ खानापूर्ति के लिए हैं। आज इस मौके पर लुधियाना, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, फाजिलका और फिरोजपुर के पशुपालकों ने किसानों ने भाग लिया। मोगा से जोगिंदर सिंह, आज़ाद टीवी न्यूज़। आज जो कैंप लगे इंडियन ब्रीड साड़ी देसी ब्रीड बारे बहुत चंगी गल है। इस तरह के कैंप लगने पर ये है भी ये जोड़ा देसी गावान दुध है बहुत घट है, साढ़े जोड़े खर्चे है फार्मा के बहुत ज़्यादा है, उसनों ये दुध भी है यदि कीमत तो यदा दुध उन्होंने पूरा नहीं कर सकता। अज लोड़ है सानू बाहर अज लोड़ है सानू बाहर दी कंट्रियां जिमें अमेरिका के होर जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने सीमन लिया के फार्मर नू देंदा ता जो वो साड़ी दुध की क्वालिटी भी और ब्रीड और दुध की इंप्रूवमेंट हो सके। कैंप का जो उपराला सरकार का बहुत चंगी गल जानकारी देना इतने लाते हैं, पर जिमीदार मुश्किल उन्होंने हल करने इन्ना ज़्यादा बेनीफिट नहीं आ रहा। जिमें सीमन इन्हों तो लेंगे सीमन नकली सीमन बहुत आ रहा भाई साहिवाल से जो सीमन लाने बच्चा है एच एफ का आया वो बड़ी वही प्रॉब्लम है उत्तर बैन होते हैं। दूजा जो किसान पशु पालक ने भी वो जहाँ गावं रखी जो उन्होंने कल बेचनी पे नहीं जो चार तो अठ हो गए बच्चे आ गए अठ तो बारह हो गए तो वो जो इन्ने रख जगह ही ना वो तो बेचना तो बेचना तो परमिशन लेनी पैंती है। आम बंद तो महीना परमिशन लग जाए जिन्होंने अज पैसे की लड़ है तो आज डंगर बेच नहीं सकता। ये बड़ी वही प्रॉब्लम किसानों आ रही है, इस पर भी कोई सरकार नहीं ला रही। जेडे असली गऊ भगते जो गऊ सामते हैं देसी पशुधन की बढ़ावे एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई सी। राष्ट्रीय गोकल मिशन जिहड़ा केंद्रीय पद्धर दे कमिशन है ये देसी गावां दे विकास लई उहदे थल्ले एक सोसाइटी बनाई है साहिवाल देसी गावां दी सोसाइटी। उह सोसाइटी जिहड़ी है उहदे वल्लों रीजन वाइज सैमीनार कराए जांदे ने। पहला सैमीनार जिहड़ा असीं जलंधर करवाया सी, अज दूजा सैमीनार जिहड़ा सी इह मोगा फरीदकोट दे मुसर आपणा जिहड़ा साडा फरीदकोट दा एरिया उहदे फार्मर नूं बुलाया सी। उद्देश सिर्फ इन्ना है कि जिहड़ा बदल वातावरण की तब्दीली आ टल है रोकी जा सकती वो जी वातावरण तब्दीली जड़िया विदेशी नसलों ने उन्होंने हम उन्नी क्षमता नहीं रही उन्होंने बीमारिया का टाकरा कर अलामता जी ज़्यादा आ रही दिन दिन हाल ही घड़ी ठीक आ वो सस्टेन कर वधिया दुध दे रही ने, पर अगले आने वाले 30-35 सालों के उन्होंने जो गर्मी का टैंपरेचर बढ़ता है तो वो कोई प्रोडक्शन घट जाती है। साहिवाल एक बहुत उमदा ब्रीड है पंजाब की और 100 साल तो ये ब्रीड ने बहुत वाइटल योगदान दिता और यह फार्मर की जान से पार्टीशन के बाद यह डिंडल हो गई सी और इस टाइम इनू रिवाइव किया जा रहा है साहिवाल कैटल सोसायटी के थ्रू और साहिवाल एंड कैटल सोसायटी के थ्रू फार्मर्स में भी जोड़िया जा रहा है जिदे नाल फार्मर्स की इनकम पर्टिकुलरली बढ़ेगी। ये फूड न्यूट्रिशन भी लाएगी, सिक्योरिटी भी लाएगी, इंप्लायमेंट लेडीज भी लैके आएगी और यदा थोड़ा खाना शेल्टर की छोटी और टिक रजिस्टेंट है हीट रजिस्टेंट है और धूप पानी नहीं है अच्छा मंडी और इसलिए थोड़े इनपुट के नाल प्रॉफिट ये बहुत बड़ा है और लेडीज लिए फ्रेंडली है ईको फ्रेंडली है और दूजी सब तो वही गल है कि बच्चों न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी और यदा जोड़ा घी है वह फायदेमंद है और ये जोड़े गुण है वह काफ़ी है। देसी गां का प्रमोशन साहिवाल का पंजाब में आप समझना है कि एक गोल्ड है और कलर भी इस तरह है जो अपने आप में और यदि प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी है। यदि काविंग टाइम जो है अगर तुम 10 बारी बच्चे ले सकते हो
दस बजे से लैके और अगर इन्हों की ब्रीड इंप्रूवमेंट पंजाब सरकार कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल मिशन एंड लोकल ग्राम के अंदर भी कर रही है, उस उद्देश्य इन अगे प्रमोट करने अच्छे मिल रही है।